भाई स्वागत है आप सभी का। वाईफाई स्टडी चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बेटा जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या मैं आपको विजिबल हूं सभी को, है ना। आवाज आ रही है आप सभी को, आपको पता ही है रेगुलर सेशन है आप सभी के लिए, सबसे बेनिफिशियल सेशन आप सभी के लिए, जो आपको मतलब एग्जैक्टली बेनिफिट जो सेशन देता है वो यही है। ठीक है, चलिए शेयर करिएगा एक बार सेशन को जितने अच्छे देख रहे हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आपको अगर 25 out of 25 स्कोर कर रहे हैं ना तो इकलौता सेशन है मेरे हिसाब से, जो आप जिसमें आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, दिमाग करके डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो 25 out of 25 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, टारगेट अपना 7 बजे 120 क्वेश्चन होंगे। पूरी क्लास देखोगे तो बेनिफिट होगा, रेगुलर देखोगे तो और ज्यादा बेनिफिट। ठीक है, इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना सो डेट कि आप जो है यूट्यूब पे थ्योरी भी पढ़ सकें। ठीक है, सो डेट कि आप यूट्यूब पे थ्योरी भी पढ़ सकें, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आप थ्योरी भी पढ़िए और आपको बेनिफिट होना ही होना है। ठीक है, चलिए सर्च कर लेना इंडियन पॉलिटी। साथ के साथ आप सभी जानते हैं अनअकैडमी कॉम्पैक्ट का हिस्सा बन के स्कॉलरशिप ली जा सकती है। स्कॉलरशिप का फायदा ऑब्वियसली फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे ही होंगे, है ना। तो स्कॉलरशिप के लिए संडे को 7 बजे अनअकैडमी कॉम्पैक्ट ऐप पे जरूर दीजिए, रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन, फ्री टेस्ट सीरीज भी ऐप पे ही जाके दीजिए। ठीक है, जो नए कोर्सेज हैं बेटा ये लाइव हुए हैं आज से। ठीक है, जस्ट लेटेस्ट है, आज से ही लाइव हुए हैं, तो 10 तारीख है, आज लेटेस्ट ही लाइव हुए हैं सभी एग्जाम्स के लिए। मैं कहूं कि आपको एग्जाम कौन कौन से कवरेज करने को मिल रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स के लिए एसएससी सीएचएसएल जीडी एमटी, मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपका सिलेक्शन मेरी गारंटी। ठीक, कैसे, बस आप इन कोर्सेज में आके जब आप एक साल में जो 4 मंथ एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं और पूरी थ्योरी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यार डेडिकेशन होती है आपकी, तो डेडिकेशन में तैयारी भी अच्छी होगी, तैयारी अच्छी होगी तो सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे भी समय नहीं गवाएंगे जरा भी। बताए बेलारस जो है इसका कैपिटल और करेंसी क्या है, बताए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन कंट्री कैपिटल आंसर क्या है, बताए। बेलारस कैपिटल और करंट जो कंट्री है इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना, तो बताइए आंसर क्या है पहले क्वेश्चन का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शेयर करना यार, जोश होना चाहिए आज की क्लास में, डेली बेसिस पे जोश होना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, आंसर है मिंग्स और रूबल। ठीक है, वैसे ये रूबल बहुत फेमस है यार। ठीक है, रूबल बहुत फेमस है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रूबल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कहाँ की करेंसी है, तो बेलारूस की करेंसी है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, वैसे इतने में आपके सामने दिखा रखे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन है ना वो कौन से भाग में दे रखा है। अगर मैं बात करूँ केंद्र की, तो केंद्र 5 है और राज्य 6 है, 5 + 6 = 11 होता है, और आंसर क्या है बेटा, 11 इसका आंसर है। कैसे, ठीक है, क्योंकि सेंटर का पार्ट 5 है, स्टेट का पार्ट 6 है, और टोटल 11 बनता है, और इन दोनों के रिलेशन का पार्ट 11 है। ठीक है, इन दोनों के रिलेशन का पार्ट क्या है, 11 है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत सरल सवाल है आप सभी के सामने जो मैंने रखा है। बेटा स्क्रीन पे जो भी आ रहे हो ना बेटा, एक्टिव मोड में पढ़ोगे ना 120 क्वेश्चन ना आपको यूं आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, अगर सोल्व बड़ी तसल्ली से अगर क्लास देखना स्टार्ट कर लो। बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बनता है, बोल लो बल्ब किसका बनता है ना, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि बल्ब किसका बनता है, जल्दी से बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन में से है ना, इजी क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं यार इसमें तो खैर इससे आसान क्वेश्चन तो आपका नाम पूछेगा टंगस्टन, इसका आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो बताइए। नए क्वेश्चन है जितने भी मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। गलेथिया नेशनल पार्क, जैसे ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, गलेथिया नेशनल पार्क कहाँ पे किसी को नहीं पता, हम कोरबेट जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इजी जो होते हैं हम जानते हैं, लेकिन गलेथिया पता हो तो बढ़िया बात होगी ना। ठीक है, फिर तो आपको एडवांटेज रहेगा कि यार पेपर में बहुत चीजें आती है जो किसी को नहीं आती। गलेथिया कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है, क्योंकि अंडमान निकोबार का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अंडमान निकोबार से संबंधित है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उल्ला मत, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ठीक है, गलेथिया कहां पे, अंडमान निकोबार में। ठीक है, दिमाग में गलती से गलेथिया को गलत मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये तो है अंडमान निकोबार में। ठीक है, आंसर हो गया गलत। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है इसको हम आंसर अंडमान निकोबार, ठीक है, आंसर गलत हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, मार्बल इज व्हाट, देखो
वैसे तो अगर आपसे इसका रोग का क्वेश्चन आता, इसका रोग का क्वेश्चन आता तो हम क्या लगाते हैं, हम क्या लिखते हैं इसमें कि ये है मेटामोर्फिक, ये क्या है मेटामोर्फिक। ठीक है, मान लो गर्मी ज्यादा है, बच्चों के दिमाग थोड़े से अभी गर्म है, ठीक है, एक्टिव नहीं हो लेकिन फिर भी ठीक है, मूड बना लो, 7 बजे तो क्लास होती है जो इसमें जोश होना चाहिए पूरा। मेटामोर्फिक है, अब आपसे पूछा जा रहा फॉर्मूला क्या है, मार्बल का फॉर्मूला क्या है, तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बन इसका आंसर, ठीक है, कैल्शियम कार्बन इसका आंसर है, CaCO3 जो है ये मार्बल बनाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बन पे क्वेश्चन आता ही आता, ठीक है। मार्बल मेटामोर्फिक रॉक है, मार्बल किससे बनता है, और बहुत सारी मेटामोर्फिक रॉक, ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन, जितना स्पीड में पढ़ोगे ना उतनी एनर्जी रहेगी, उतना रहेगा कि यार हाँ 10-20-25 क्वेश्चन नहीं करने, सीधे 120 क्वेश्चन करने हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, सिंपल है यार, अगर मैं पार्ट फर्स्ट की बात करूं, इंडिया और यूनियन की बात होते, पार्ट सेकंड की बात करूं तो किसकी बात होगी, जल्दी से बताइएगा, पार्ट सेकंड की बात करूं तो किसकी बात होगी, ठीक है, सिटीजनशिप की बात होती है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जैक्टली, ठीक है, पार्ट सेकंड पे है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप नागरिकता किसमें है, तो पार्ट सेकंड में है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, नागरिकता के लिए भाग। और पार्ट थर्ड में ऐसा क्या है, फंडामेंटल राइट है, ऐसे पार्ट फोर्थ में आपको डीपीएसपी दे रखे हैं, ठीक है, डीपीएसपी दे रखे हैं, पार्ट फोर्थ ए में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखे हैं, ऐसे पार्ट फिफ्थ में आपको सेंटर दे रखा, पार्ट सिक्स में आपको स्टेट दे रखा है, ऐसे सेवंथ एट नाइन टेन, सेवंथ तो खैर खट चुका है, ठीक है, सेवंथ को एलिमिनेट कर चुका, मतलब पार्ट याद करना कोई मुश्किल नहीं है, जब आपके सामने लिख रहा हूं मैं सारे के सारे पार्ट लिख दूंगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको 8-15 पे कराऊंगा पार्ट, देखना 1 सेकंड में याद होंगे सारे पार्ट्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, एसएससी ग्रुप है, पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है। बताइए कौन सी नदी इसमें से रिफ्ट वैली में से जाएगी, बता, दो नदियां जो रिफ्ट वैली में से जाती है, बेटा जो भी आ रहा है ना एक्टिव मोड में आ जाओ, बस इतना है, मेरी क्लास में आ रहे तो बस समझ लो कि क्लास लंबी चलेगी और आपको मजा आने वाला है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन सी नदी है रिफ्ट वैली में से जाएगी, एक तो हम सिंपल सा रिफ्ट का मतलब समझे, रिफ्ट का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच में से काटती हुई निकले, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, उससे बीच में से नदी निकल रही, ये रिफ्ट होता है, दो पहाड़ों को काटती हुई निकले, ठीक है। तो यार ऐसे ही तापी नदी है और ऐसे ही नर्मदा नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी दोनों जो है ना रिफ्ट वैली की नदियां हैं, ठीक है, और कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, दिमाग पर रखे, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ऐसे ही आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, लूनी के ऊपर राजस्थान वाला सवाल आ सकते हैं, राजस्थान में है, चंबल नदी शहर के किनारे कोटा शहर है, जितना आप इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने की कोशिश करते हो ना जल्दी उतना आपके लिए फायदा होता है। कोटा शहर चंबल नदी किनारे, सोन पर डैम बना हुआ है, ठीक है, सोन गंगा की सहायक नदी है जो नीचे से आती है, सोन पर डैम बना हुआ उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोन नदी के ऊपर आता है, तापी के ऊपर तो क्वेश्चन बता ही दिया मैंने आपको। चलो बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, खैर कोई कहेगा सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, तो इससे आसान क्वेश्चन तो आपसे आपका रोल नंबर पूछ सकता है, अभी आपसे चीफ पूछ रहा है, इनकमबेंट जो चीफ है स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन के, ठीक है, वर्तमान प्रमुख कौन है। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पे, जनेवा में है स्विट्जरलैंड, ठीक है, कहां पे, स्विट्जरलैंड में, जनेवा में, ठीक है, वी ऑल नो। अब इसे हेड पूछ रहा, बताइए कौन से है, जल्दी से होते कमेंट करिए सारे के सारे, ठीक है, देयर इज लॉट मोर टू लर्न। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, टेड्रस एडहेनम इसका आंसर है, जैसे यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस है वैसे ही टेड्रस एडहेनम जो है इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये दोनों पर्सनालिटी बहुत फेमस है भाई, ये तो मत बताओ, यूनाइटेड नेशन का नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का नहीं पूछ रहा आपसे जो आप बी लगा रहे हो आंसर, ठीक है, बड़े बुरे हाल तुम्हारे अगर तुम बी आंसर लगा रहे हो, बी आंसर बताओ भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूछ रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का नहीं पूछ रहा है, समझना दिमाग में, क्वेश्चन रखो आसान है। प्रीति, सांस लेना किसका पार्ट है, भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रीथिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया कि ब्रीथिंग किसका पार्ट, ठीक है, रेस्पिरेशन का पार्ट है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक तो ब्रीथिंग होता है, ठीक है, दिमाग में रखिए। देखो ये थ्योरी है प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, ये किसके द्वारा दी गई थी, कमेंट करेगा ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, कि हाँ भाई प्योरिटी ऑफ गैमिट की थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, तो हम आंसर क्या लिखे इसका, जल्दी से बताइए, प्योरिटी ऑफ गैमिट की थ्योरी पे क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखे आंसर। चलो आंसर क्या, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर मेंडल, इसका आंसर जॉर्ज मेंडल गैमेट से संबंधित, जॉर्ज मेंडल ने भाई मटर लेके
उस मटर का रंग बिरंगे मटर लेके, अलग अलग साइज के लेके बहुत कुछ निकाला, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, डार्विन थ्योरी भी उन्हीं से संबंधित है, जॉर्ज मेंडल, ये सब पता होना चाहिए। देखिए जैसे हम ऑरेंज सिटी जानते हैं ना नागपुर, जैसे हम ऑरेंज सिटी जानते हैं नागपुर, जैसे हम ग्रेप सिटी जानते हैं नासिक, ठीक है। अंगूर के लिए फेमस है, ग्रेप्स के लिए फेमस है नासिक, ऑरेंज के लिए फेमस है नागपुर। और ऐसे बेटा आपसे पूछा जाए लीची सिटी कौन सी है, कौन से शहर में लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा है, शेयर करना सारे सारे जल्दी से बताओ, कौन से शहर में लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जल्दी से बताइए। कौन से शहर में लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मुजफ्फरपुर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन दे, राजभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइए। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर क्या, राजभोज इंटरनेशनल स्टेडियम कहां पे मध्य प्रदेश में लोकेट है। एक और क्वेश्चन देखिए, कांचीपुरम टेम्पल कहां पे, कौन सी कंट्री में, जल्दी से बताइए, कांचीपुरम टेम्पल कौन सी कंट्री में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है। बताइए कांचीपुरी टेम्पल कहां पे, ये तो आसान है, कांचीपुरम, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन आंसर तमिलनाडु, इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखिए। कुदरमुख नेशनल पार्क कहां पे लोकेट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुदरमुख नेशनल पार्क कहां पे लोकेट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखिए कर्नाटका, इसका आंसर कर्नाटका, इसका आंसर इंपोर्टेंट है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है, जल्दी से बताइए, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। ठीक है, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, आंसर है। देखो इसके ऊपर ना बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इधर के लिखा हुआ, के हटा दो, शिप्रा इसका आंसर है, ठीक है। उज्जैन कोर्स बेटा हर एक एग्जाम के लिए शिप्रा, अगर आप इस क्लास में आ रहे हो ना, आप ये समझो कि आप जीके पढ़ने के लिए आ रहे हो, इट इज नॉट अबाउट एग्जाम, इट इज अबाउट जीके, जीके पढ़नी है हमें, जीके पढ़ लेंगे किसी भी एग्जाम में, शिप्रा नदी उज्जैन पूछा जा सकता है, और इसपे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये सीट ऑफ विजडम कहलाता है, याद रखना सीट ऑफ विजडम किसे कहते हैं, ठीक है। विक्रमादित्य की जो सीट ऑफ विजडम है, विक्रमादित्य, मैं बस इतना बोल रहा हूं आपको, कभी विक्रमादित्य क्वेश्चन मिल जाए, सीट ऑफ विजडम क्वेश्चन मिल जाए, चुप करके आंसर लगाना, आंसर करेक्ट होगा, गारंटेड, ठीक है। एक और क्वेश्चन नहीं, ग्रे रेवल्यूशन किससे संबंधित, जल्दी से बताइए, ग्रे रेवल्यूशन किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, ग्रे रेवल्यूशन किससे संबंधित है, कमेंट करिए। ग्रे रेवल्यूशन किससे संबंधित, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आंसर इस क्वेश्चन का फिश, ओ सॉरी, ये देखो फिश तो ब्लू है, ठीक है, फिश तो ब्लू है, तो ब्लू ही आंसर रहेगा, ग्रे के लिए हम इसका आंसर जो है ये अलग लगाएंगे, ठीक है, दिमाग रखिए, फिश का नहीं होगा आंसर, फिश तो ब्लू के लिए, ठीक है, दिमाग रखिए, सीरियल्स जो है इन सब पे लगा सकते हैं हम आंसर, लेकिन फिश आंसर ब्लू का होगा, ठीक है, गलत पीडीएफ में आंसर दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ देंगे इसको। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अपेक के हेडक्वार्टर कहां पे, जल्दी से देखा, अपेक के हेडक्वार्टर कहां पे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो कॉरपोरेशन है इसके हेडक्वार्टर कहां पे है, आंसर क्या है, सिंगापुर में। फिश लगाना है तो फिश का आंसर ब्लू होता है, ब्लू रेवोल्यूशन लगाना भाई, ठीक है, ब्लू आंसर होगा, कोई पीडीएफ में अगर गलत आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगापुर इसका आंसर है। देखो अगर मैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बात करूं तो सिंगापुर है ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है, दिमाग पर गए। अर्थवर्म जो केचुआ होता है वो कैसे सांस लेता है, जल्दी से बताइए, ठीक है ना,
जो केचुआ होता है वो कैसे सांस लेता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, अच्छे क्वेश्चन है सारे के साथ, है ना। केचुआ किससे सांस लेता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है। देखो ये ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अब जैसे इसमें ऑप्शन में एक स्किन दे रखा है कि भाई इसका ऑप्शन में एक स्किन दे रखा है, तो स्किन से सांस लेता है, केचुआ किससे सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 7 बजे क्लास डेली होती है वाईफाई स्टडी पे, पूरी रेगुलर क्लास, देखो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है नहीं। अगर आप बल्क में क्वेश्चन करते हो ना और हर क्वेश्चन नया करते हो तब जाके फायदा होता है। और आप देखना इस क्लास में, आ जाओ और कल आके देखो, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है। पावना डैम कौन सी स्टेट में, कमेंट करिए पावना डैम कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन आंसर क्या है। देखो पावना डैम कौन सी स्टेट में, तो आंसर क्या है, महाराष्ट्र इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर है। पावना डैम कहां पे, महाराष्ट्र में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये नहीं करना क्वेश्चन, ट्रांसपीरेशन इसका आंसर फालतू क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। बतकामा फेमस फेस्टिवल है, देखो मैं वो आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, ट्रांसपीरेशन ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है। जैसे आपको ये नहीं पता बतकामा कौन सी स्टेट का फेमस फेस्टिवल है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये क्लास इसी के लिए, सब कुछ नया पढ़ने के लिए। आंसर क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना वैसे भी राज्य है कि मतलब हमें तेलंगाना के बहुत सारी चीजें अलग से पता करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, तेलंगाना क्वेश्चन आ सकते हैं तेलंगाना पे, आंध्र प्रदेश पे, हैदराबाद पे, तेलंगाना पे, इन सब पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बेटा अभी एग्जाम की टेंशन ना लो, अभी पढ़ने का सोचो, अभी आप 7 से 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का सोचो। याद रखना मैं आज आपको 10 बजे भी पढ़ाऊंगा, 10 बजे आपकी क्लास होगी, भूलना मत कोई भी, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट माइनॉरिटी गवर्नमेंट इंडिया में किसके द्वारा शुरू की गई, जल्दी सुनिए, सबसे पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट, अल्पसंख्यक राज्य सरकार जो है, पूरे जो देश की सरकार है अल्पसंख्यक, उसका नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन होता है ये गलत, बच्चे बहुत सारे बच्चे इसको ना मोरारजी देसाई आंसर लगा के आ जाते हैं, क्या सही आंसर होगा मोरारजी देसाई, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, अल्पसंख्यक सरकार जो है सबसे पहली, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा वीपी सिंह, इसका आंसर क्या आंसर है, वीपी सिंह इसका आंसर है, ठीक है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन होता है गलत कईयों का। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित, खिलाड़ियों के नाम, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी होंगे ना उनके तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं माइकल जॉर्डन बहुत फेमस खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित, जल्दी से बताइए, माइकल जॉर्डन बहुत फेमस खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित, कमेंट करिए। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है, और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो फेमस खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, ब्राउन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, श्री पेनिनसुला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, नया क्वेश्चन, लिटरली ऐसा क्वेश्चन जो मे बी किसी को नहीं आता है ना, आप में से किसी को आता है क्या, श्री पेनिनसुला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे, अगर हम सिर्फ कॉमन वही क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे ना जो हमने पहले सेंचुरी पढ़ी है, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क पढ़ लिया, ये बार बार पढ़ लिया, इससे कुछ फायदा नहीं यार, वो तो पता है सबको, कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं, ठीक है, श्री पेनिनसुला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे बेटा, आंध्र प्रदेश में, मैं कह रहा हूं तेलंगाना आंध्र प्रदेश के क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत सारी चीजें करंट अफेयर में भी आई, मैं आपको 2-3 आंध्र प्रदेश के भी करंट अफेयर भी कराऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बैच नए हैं बेटा, जो भी बैच है नए हैं, अगर अन अकेडमी भी आप जुड़ना चाहते हो रेफर कोड लाइव में, चलिए बताइए। हाँ जी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कौन सी कंट्री में, कमेंट करिएगा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहां पे। देखो अब जैसे आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं आपको एक चीज बताओ उसको, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे से, है ना, पार्टिसिपेट करो, आंसर आप दो, ए बी सी व्हाटसोएवर यू वांट टू गिव डी, एक बार ऑप्शन जरूर आंसर टिक करिए, ठीक है, सो दैट कि आपको खुद को पता चले कि आप अटेम्प्ट करोगे तो सही होगा कि नहीं। बेटा इसका आंसर रोम है, आपको एक कहेगा सर कैसे क्या सिखाना चाहते हो, आप कुछ भी देख लो, चाहे आप फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देख लो, एग्रीकल्चर है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देख लो, फूड है,
और यहाँ पे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देखो एग्रीकल्चर है, फूड और एग्रीकल्चर का कुछ भी होगा ना, फूड और एग्रीकल्चर का कुछ भी होगा वो रॉ मटेरियल में होगा 100%, क्योंकि जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, आपसे कोई कहे बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल कहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल कहाँ पे, सुना होगा कईयों ने, बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल भी रोम में है। तो रोम में बहुत सारी चीजें, रोम को हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहते हैं ना, सिटी ऑफ सेवन हिल्स। चीजें इंफॉर्मेशन ग्रैब करो, ये इंफॉर्मेशन है जो ग्रैब करनी है कि सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहते हैं रोम को, बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, फूड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, IFAD, ये सब कुछ रोम में है। ठीक है, दिमाग पर रखे, रोम रोम में बसा लो अपने। ठीक है, क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, मान लो ये है एक वेव, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ठीक है, आपसे आपका सेंटर पूछ सकता है एग्जाम के, कहां पे एग्जाम देने आए हो। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताओ डिस्टेंस क्या होगा, कमेंट करिएगा आंसर क्या है। है ना, चलो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भाई ये जो इधर से लेके इधर तक एक डिस्टेंस है तो ये वेवलेंथ में मेजर किया जाता है, लैम्डा में मेजर करते हैं, किसमें, लैम्डा में मेजर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेवलेंथ, दिस इज व्हाट, दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस, देखो कैंसर से संबंधित सवाल भी आ सकते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, मैं डेज वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज, मैं आपको 8-15 पे कराने वाला हूँ नेशनल मूवमेंट, चलो कोई दिक्कत नहीं, नेशनल मूवमेंट सारे कवर हो जाएंगे, ठीक, लेकिन उसके बाद मैं आपको डेज एंड जो डेट्स हैं सारी कवर कराने वाला हूँ, कितने बजे, 8:15 पे, 8:15 की एक क्लास बहुत इम्पोर्टेंट। 7 नवंबर इसका आंसर कैंसर से संबंधित, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी ईयर वर्ल्ड टेलीविजन डे, देखो यार कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, बताइए वर्ल्ड टेलीविजन डे किस दिन मनाता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, सीखोगे तो कुछ मुश्किल लगेगा नहीं, नहीं सीखोगे तो पेपर में सब कुछ मुश्किल लगेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप पेपर से पहले कितना कुछ नया देख के जाते हो, क्योंकि अगर आप पेपर में नया देखोगे ना तो वो तो बेकार है, वो तो गया क्वेश्चन, उससे पहले सब कुछ नया देखना। तो 7 बजे वाली क्लास, 21 नवंबर इसका आंसर है, वर्ल्ड टेलीविजन डे किस दिन, ठीक है, 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया। हाँ जी, देखो पंचायत के 3 लेवल होते हैं, ठीक है, एक होता है ग्राम लेवल, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल और एक होता है जिला परिषद लेवल। एक पर्टिकुलर अगर पॉपुलेशन है, मतलब मान लो उस पॉपुलेशन से कम है तो इंटरमीडिएट लेवल को खत्म कर दिया जाता है। अगर स्टेट की पॉपुलेशन, याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है ना, ठीक है, अगर स्टेट की पॉपुलेशन, राज्य की जो जनसंख्या है वो अगर 20 लाख से कम है ना, तो उसके पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता, याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उसके, ठीक है, पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा, शेयर करना सारे के सारे, हर एक बच्चा शेयर कर लो। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जल्दी से बताइए ब्लड डोनर डे जो है किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, कमेंट करो भाई, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है 14 जून इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सी एनिमल्स इनटेक ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करिएगा, ठीक है, सी एनिमल जो है ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जो समुद्र के प्राणी होते हैं वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, ठीक है,
ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, आंसर है गिल्स ऑब्वियसली। देखो अगर मैं बात करूं मछली की बात करूं तो ऑब्वियसली गिल्स है, ठीक है ऑब्वियसली गिल्स आंसर है ना। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, शेयर करना सारे के सारे। विनेगर किसका ट्रेड नेम है? कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर है एसिडिक। किसका आंसर है? एसिडिक एसिड जो है विनेगर का ट्रेड नेम है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया गया था लेबोरेटरी में, हम आंसर लगाते हैं यूरिया। ये क्वेश्चन आता ज्यादातर कि भाई कौन सा ऐसा सिंथेसाइज किया गया था लेबोरेटरी में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम आंसर लगाते हैं यूरिया। अब सवाल ये कह रहे हैं कि यूरिया किसने खोज करी है ऐसे? ठीक है, तो वो वोलर ने करी थी। ये खोज किसने करी थी? वोलर ने खोज करी थी। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है वोलर। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज व्हाट? बड़ा सस्ता सवाल पूछ दिया। ठीक है, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्जन जो होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेटा शेयर करना हर एक बच्चा, डेली बेसिस पे 7 बजे पढ़ोगे ना तो फायदा होगा आपको। ठीक है, लेकिन रेगुलर पढ़ने में फायदा होगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? एवोपरेशन इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो वेस्ट मटेरियल उनका जो क्या बोलते हैं रिड होता है वो किससे होता है? ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, है ना। हमारे ह्यूमन बॉडी के प्रोसेस में से एक एवापोरेशन, और जितने भी जो ऑप्शन में दे रखे हैं, एक्सक्रीशन दे रखा ऑप्शन में, एक्सक्रीशन इसका आंसर उत्सर्जन होता। ठीक है बेटा, जो भी बच्चा देख रहा है जितना जल्दी, मैं आपको एक एग्जाम टाइम मोमेंटम दे रहा हूं जो आपको जरूरी चाहिए। एग्जाम में जितनी स्पीड आप पकड़ोगे ना उतना जल्दी आप सिलेक्शन लोगे। कोई कहेगा सर स्पीड पकड़ने से क्या सिलेक्शन है? बेटा जितना स्पीड में आप दे रहे हो ना उससे ज्यादा स्पीड में ना आपका कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिशन में है ना वो दे रहा है। ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिशन है, ठीक है, उसको जरूर बीट करना है। ठीक है, डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम कहां पे लोकेट है? जल्दी से बताइएगा ये कहां पे लोकेट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा? ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? आंसर है डॉक्टर वाई एस राजशेखर क्रिकेट स्टेडियम कहां पे? आंध्र प्रदेश में। एक और क्वेश्चन देखिए, इन द इंडियन पॉलिटिकल अरेंजमेंट रेजिडुअली पावर इज वेस्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। देखो अगर मैं बात करूं हमारे देश में 4 तरीके की पावर है, यूनियन लिस्ट का, ठीक है, स्टेट लिस्ट का, और इवन कॉन्ट्रेंट समृद्धि सूची, ठीक है, राज्य केंद्र और समृद्धि सूची, और उसके बाद जो बच जाती है ना पावर वो किस में आती है? रेजिडुअली अवशिष्ट शक्तियां होती है। ठीक है, अब ये अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है ये बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? बेटा पार्टिसिपेट करना सारे के सारे, सारे क्वेश्चन आ रहे ए टू जेड क्वेश्चन। ये 4000 क्वेश्चन की सीरीज ऐसी है जिसमें सब कुछ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, सेंटर इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग रखिए, सेंटर के पास होती है पावर। ठीक, क्वेश्चन बर्बाद हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही क्या सिस्टम है भाई। हाँ जी बताइए, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जल्दी से बताइए, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है तो हमें पता है 11 इसका आंसर है, है ना। देखो मौलिक कर्तव्य में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मौलिक कर्तव्य के पार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पार्ट कौन सा है, तो पार्ट है 4A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के क्या आर्टिकल पे क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई आर्टिकल है 51A। टोटल कितने हैं? 11 हैं टोटल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने 11 हैं। ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्य जो है कौन सी कमेटी के जो है सुझाव पे दिया? स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पे मौलिक कर्तव्य जो है इसको बनाया गया। ठीक है, इसका कंसेप्ट हमने रशिया से लिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य बनाने का जो कंसेप्ट है हमने रशिया से लिया। महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है, सारे क्वेश्चन पढ़े जो हम कर रहे हैं। आज का बैंक इंडलसन बैंक, बताइए हेडक्वार्टर कहां पे? इंडलसन बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है, दिमाग में रखिएगा इंडलसन बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर में।
ठीक है चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का मुंबई, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है मुरलन नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड, जल्दी से बताएगा मुरलन नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, मुरलन नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड, शायद कईयों को आता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि मुरलन नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड, ठीक है और कईयों को नहीं भी आता होगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है नया क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन नया भाई, जितना आप इस क्लास में सीख सकते हो ना उतना आप कहीं पर भी नहीं सीख सकते, इतनी अश्योरिटी देता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको बहुत अलग पैटर्न में सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जितने पॉसिबल है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर मिजोरम, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है शिखा थर्मल पावर स्टेशन जो है कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, शिखा थर्मल पावर स्टेशन कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए, कमेंट करिए सारे सारे आंसर क्या होगा, शिखा थर्मल पावर स्टेशन जो है कौन सी स्टेट में, क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ आंसर क्या बेटा। आज 8:15 की क्लास जो है ना, टॉपिक क्या है, नेशनल मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल मूवमेंट पे वैसे भी क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है नेशनल मूवमेंट में वैसे भी क्वेश्चन आने ही आने, जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलो आंसर है इस क्वेश्चन का, शिखा के ऊपर अगर क्वेश्चन है शिखा थर्मल पावर जो है तो गुजरात इसका आंसर है, गुजरात इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन देखो, जवाई डैम कहां पे है, ठीक है जवाई डैम कहां पे, कमेंट करिए, ठीक है बताइए सन इनलो डैम कहाँ पे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मतलब जवाई डैम जो, जवाई तो वर्ड कैसे ऐसे प्रोनाउंस हम उसी चीज में करते हैं, बताइए कहाँ पे जवाई डैम कहाँ पे, कमेंट करिएगा, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया, नाम भी बड़ा गजब है, ठीक है डेली आओगे ना 7 बजे फायदा बहुत है, ठीक है ऐसे ऐसे नाम भी पता चल जाएंगे कि यार ये भी नाम होता है, ठीक है डैम का नाम ऐसे भी हो सकता है, ठीक है खैर, ठीक है राजस्थान में जो क्या बोलते हैं जो दामाद होते हैं ना, दामाद जी टाइप कुछ है ना, वैसे वही से याद कर लो, राजस्थान में बड़ी होती है सेवा, है ना तो याद हो जाएगा, वही से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है कालबेला, ये मैंने आपको बताया था कालबेलिया डांस ना नागिन डांस होता है, दिल्ली का नागिन डांस नहीं कह रहा मैं, ठीक है कालबेला डांस एक जनरली एक नागिन डांस है जिसमें मतलब सपेरा टाइप कुछ ऐसा रहता है, यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल किया गया है, ये किस स्टेट का डांस है जल्दी से, ये भी वही का ही है, ठीक है जहां के दामाद जी हैं, ठीक है बताइए कहाँ के, आंसर क्या बेटा ये भी राजस्थान का डांस है, यूनेस्को लिस्ट में है, ठीक है दिमाग रखे ये यूनेस्को लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया डांस बहुत फेमस है ये पता होना चाहिए, ठीक है राजस्थान इसका आंसर है, ठीक है बताइए पर्शियन न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन नोन एज शबाके हिंदी, ठीक है किसके द्वारा बनाया गया ये जो पर्शियन स्टाइल है शबाके हिंद जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या, शबाके हिंद की अगर मैं बात करूं आमिर खुसरो, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, आमिर खुसरो बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, काम का क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, कुतुब मीनार कौन से सूफी संत को डेडिकेटेड है, ठीक है कुतुब मीनार देखो बनाया किसने था वो तो खैर आसान है, ठीक है दिमाग में रखिए कि भाई बनाया किसने, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद फिरोजशाह तुगलक ने उसको रिनोवेट किया, लेकिन कौन से सूफी संत को डेडिकेटेड है ये सवाल पूछा जाए तो आंसर क्या है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिए। ठीक है चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकिस का आंसर है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा इनको डेडिकेट किया गया, ठीक है अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, सबसे सरल सबसे आसान बताइए इस क्वेश्चन का, वो सबसे आसान होगा हाइड्रोकार्बन जो हमें पूरे हाइड्रोकार्बन चैप्टर 10th क्लास एनसीईआरटी में समझ आया होगा कि हाँ भैया हाइड्रोकार्बन हमें पता है, समझ आ रही है, ठीक है उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता कईयों को, है ना 10th क्लास एनसीईआरटी कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर, ठीक है क्या है सबसे सिंपल जो सबसे पहले पढ़ाया जाएगा तसल्ली से, आपको कभी भी 10th क्लास पढ़ोगे तो ये है ना कि हाँ भाई ये मीथेन है और ये खतरनाक है, सिंपल तो है मीथेन बहुत खतरनाक है,
ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है मिथेन से हो रही है, मिथेन कार्बन जो माइंस होती है वहां पे एक्सप्लोड करता है, और बहुत सारी चीजें मिथेन से संबंधित। एक और क्वेश्चन देखिए, आंसर है मिथेन। बताइए, देखिए प्रियम्बल हमारे संविधान को कैसा दर्शाता है, कि भाई प्रियम्बल कैसा है, ठीक है, हमारा प्रियम्बल कैसा है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, बताइए किस तरीके का प्रियम्बल है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, अगर मैं बात करूं, देखो प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आया, तो हमारा देश पूरा कंप्लीट सॉवरेन है, ठीक है, संप्रभुत है, समाजवादी है, धर्म निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, ये सब कुछ प्रीएम्बल में लिखा हुआ, दिस ऑल इज रिटन इन प्रीएम्बल, ये सब कुछ प्रीएम्बल में लिखा है, तो हमारे लिए एक क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, जो जो प्रीएम्बल में लिखा है वो हम अपने देश को मानेंगे कि हमारे हमारा देश ऐसा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जो रेगिस्तान के पेड़ होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसके थ्रू होता है, कोमलली तो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तों में, कार जो क्लोरोफिल होता है उसमें, अब रेगिस्तान में हरे पत्ते तो खैर होते नहीं इतने ज्यादा, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन। बेटा क्लास डेली 7 बजे हो रही है, अगर आप वाईफाई स्टडी सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तब भी आप इस क्लास को, ठीक है, तसल्ली से देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, चलो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो स्टेम होती है ना, ठीक है, तने उससे होता, ठीक है, रेस्पिरेशन जो है उससे होता है, फोटोसिंथेसिस जो है उससे होता, ठीक है। हाँ जी, लिब्रेवाइल किस कंट्री का कैपिटल, खैर ये मुश्किल क्वेश्चन हो गया, अब ऐसे नाम आपने सुने नहीं है, ठीक है, आप जो कंट्री देख रहे हो ना वो भी बहुत ज्यादा फेमस है नहीं, रोमानिया को छोड़ दें और कजाकिस्तान को छोड़ दें, मोल्डोवा और गोबोन किसी को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लिब्रेवाइल कैपिटल किस कंट्री के, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बताइए भाई, पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन जितना नया होगा उतना ही आप सीखोगे, फायदा ही तभी है जब आप कुछ नया सीखो, ठीक है, फायदा ही तभी है जब आप कुछ नया सीखो, और इसी में आपको बेनिफिट भी है ना। आंसर क्या, लिब्रेवाइल कहाँ का है, दिमाग पर रखिएगा, गोबोन शहर का कैपिटल, किसका शहर का कैपिटल है, ठीक है ना, गोबोन शहर का कैपिटल इंपॉर्टेंट है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर है ये, इसका आंसर एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उठाओ, नामदेव भक्ति संत थे कौन से राज्य के, जल्दी से कौन से राज्य में थे, नामदेव थे भक्ति संत, अब कौन से राज्य में थे ये पूछ रहा है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नामदेव जो है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति संत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिए बताइए, ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाए शंघाई कॉरपोरेशन जो है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप है, इसके टोटल कितने परमानेंट मेंबर है, देखो इसमें ना ऑब्जर्वर्स भी है, इसमें परमानेंट मेंबर भी है, इसमें टेम्पररी मेंबर्स भी है, तो उनपे तीनों पे सवाल आ सकता है। ये कह रहा परमानेंट मेंबर शंघाई कॉर्पोरेशन में कितने, शंघाई चाइना में, आप सभी जानते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चलिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 8, ठीक है, 8 जो है परमानेंट मेंबर, सी एनिमल लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताना कि सी एनिमल बेसिकली किससे सांस लेते हैं, तो आंसर क्या होता है, गिल से, किससे, गिल से, बेसिकली मैरीन एनिमल जो है गिल से सांस लेते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई गिल से सांस नहीं लेता तो फिर किसको यूज करेगा, ठीक है, बताइए किसको यूज करेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डोल्फिन और व्हेल्स गिल से सांस नहीं लेते, ठीक है, तो फिर किससे सांस लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा अभी जो स्टैटिक जी क्लास है वो आपका आज का टॉपिक है मूवमेंट्स, ठीक है, जितने भी मूवमेंट्स हुए नेशनल मूवमेंट्स के ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूँ, बहुत बेनिफिशियल क्लास होगी, और भूलना मत 8:15 पे क्लास है, जस्ट इस क्लास के एंड करते ही करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्लास है। अब ये क्वेश्चन आसान है कि भाई नोस्ट्रिल जो होता है ना
ब्लो होल्स होते हैं, आप ऑब्जर्व करना वेल्स और डॉल्फिन के जो नो ब्लो होल्स होते हैं ना उसी से एक सांस आती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चन, 10 बजे वाली क्लास आज होगी, मिस मत करना, आज मैं कराऊंगा एक क्लास। ये वैली जेन किंग कप जो है किस खेल से संबंधित, जल्दी से बताइए, ये जो कप है ये कौन सा है, किस स्पोर्ट से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए किस स्पोर्ट से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है, आंसर क्या, ठीक है। वुमेन टेनिस से संबंधित, किससे, वुमेन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। आंसर वुमेन टेनिस इसका आंसर है। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा याद रखना आपके जो प्लस कोर्सेज हैं वो आज लाइव हो चुके हैं, मैं आपको एसएससी जीडी का टारगेटेड तैयारी करा रहा हूं, जो आप सिलेक्शन लेने के लिए ले सकते हो, लाइव वुमेन रेफर कोड यूज करके अन अकेडमी में डायरेक्ट जाके, ठीक है। आंसर है जैतापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की अगर मैं बात करूं, प्लांट की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। तर्क लर्न द यूज ऑफ आर्च एंड डोम मेथड फ्रॉम, देखो जो तर्किश थे ना उनको ना डोम गुंबद जिसे कहते हैं वो बनाना बहुत अच्छे से आ गए, लेकिन उन्होंने वो बनाना किससे सीखे थे ये पूछा जा रहा है। तर्किश के तर्क, अगर आप टर्की जाओगे ना तो यू विल सी कि सबसे ज्यादा गुंबद सबसे प्यारे बने हुए, लेकिन उन्होंने वो बनाना किससे सीखा था, रोमन से, ठीक है, रोमन से सीखा था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आंसर इस क्वेश्चन द रोमन इसका आंसर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, गाथा फॉल कहां पे है, गाथा जल प्रपात जो है ये कहां पे है, थे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गाथा फॉल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर मध्य प्रदेश में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, मध्य प्रदेश इसका आंसर है। देखो यार छत्रसाल स्टेडियम ना फेमस है, अब ये क्वेश्चन मैं क्यों क्रिएट कर रखा है, ये क्वेश्चन इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि छत्रसाल स्टेडियम है ही रेसलिंग के लिए फेमस, जो सुशील कुमार जो खिलाड़ी जिनका अभी मुद्दा चल रहा है, ठीक है, जो किलिंग का मुद्दा चल रहा है, विवाद चल रहा है, विवाद क्या है वैसे हुई है, रेसलिंग के लिए बहुत फेमस है और ये दिल्ली में है, ये हमें पता होना चाहिए। वैसे इतना फेमस ना हो छत्रसाल स्टेडियम, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली छत्रसाल स्टेडियम अब फेमस जरूर हो जाएगा, ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि दिल्ली में है, रेसलिंग के लिए फेमस है, बहुत उम्दा इधर खिलाड़ी जो रेसलिंग के इंडिया में है ना वो ये छत्रसाल स्टेडियम में आके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बताइए एयर का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, जल्दी से बताइए, एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर मैं बात करूं कि भाई एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, खैर 78% होता है नाइट्रोजन, वी ऑल नो, ठीक है, तो कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, नाइट्रोजन इसका आंसर है। स्कर्वी, देखो हम सीधा याद रखें सी के बाद एस, ठीक है, बताइए आंसर क्या, सी एस, ठीक है। अब इसको आप कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस पढ़ लो कुछ भी, स्कर्वी जो है कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो आंसर क्या बेटा, याद रखिए आंसर क्या है, सी का एस याद रखना है, तो भाई विटामिन सी का एस याद रखना है, सिंपल सा है, ठीक
ठीक है, नाम में ही स्कर्वी का दे रखा है ना बेटा। जो भी आप सीखने के लिए आ रहे हो ना, सीखो आप, प्लस कोर्सेज में पढ़ना है आपको, बहुत बेनिफिट होगा। थ्योरी पढ़ने की जरूरत है आपको सभी को, मैं आप बता रहा हूं आपको, ठीक है। थ्योरी जितनी पढ़ोगे उतना फायदा लोगे। ये डीपीएसपी किस पार्ट में, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग जब क्लास हुई थी तब मैंने आपको बताया था डीपीएसपी किस पार्ट में, ठीक है। शुरुआत में बताया था कि डीपीएसपी पार्ट फोर्थ में, किसमें डीपीएसपी किसमें, पार्ट फोर्थ में है, ठीक है। डीपीएसपी पार्ट फोर्थ में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही पार्ट फिफ्थ में आपसे पूछा जाए तो यार सेंटर का जो कंसेप्ट है वो पार्ट फिफ्थ में, पार्ट सिक्स में पूछा जाता है तो स्टेट का कंसेप्ट है वो पार्ट सिक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पपाया न्यू गिनी जो है इसके देश की करेंसी क्या है, ठीक है। अलग अलग देश की करेंसी जो है हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पपाया न्यू जो है इसकी करेंसी क्या है। बेटा मैं आपको ये क्लास ना डेडिकेटेड क्लास दे रहा हूँ। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर एक दिन पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यार रेगुलरिटी इज मैटर करती है, ठीक है। रेगुलरिटी ना मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है। देखो रेगुलरिटी क्या है, बस 7 बजे नोटिफिकेशन आए या ना आए, यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी सर्च कर लो, 7 बजे आपको डायरेक्ट क्लास मिल जाएगी। एक ही क्लास हो रही होगी इसमें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगी। कीना इसका आंसर है, ठीक, कीना इसका आंसर है, नया क्वेश्चन है। चंदोली नेशनल पार्क कहां पे, चंदोली लोकेशन फेमस है, सब जानते हैं चंदोली लोकेशन है ना, तो उस हिसाब से चंदोली लोकेशन के हिसाब से आंसर आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चंदोली लोकेशन पे आंसर आ सकता है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, चंदोली पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और चंदोली फेमस है महाराष्ट्र, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, चंदोली का, ठीक है, ये नहीं कर रहा क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो स्पीकर है, जब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो लोकसभा है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, कि मतलब कोई भी लोकसभा है 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद 15-16 ऐसे लोकसभा बनती, अगर हमें उसे पहले डिसॉल्व करना है, उसका पहले खंडन करना है, उसको पहले खत्म करना है, तो वो कौन कर सकता है, ये पावर किसके पास, ठीक है। लोकसभा को 5 वर्ष से पहले डिसॉल्व करने की पावर किसके पास, चलिए आंसर इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर प्रेसिडेंट इसका आंसर है, ठीक है, प्रेसिडेंट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, 7 बजे वाईफाई स्टडी पे जरूर जुड़े जितने बच्चे, देखे देखो आप सभी फ्लेमिंगो आपने देखा होगा, एनसीईआरटी इंग्लिश की एक एनसीईआरटी फ्लेमिंगो, बहुत फेमस नाम भी है वैसे, ठीक है। ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है स्टेट बर्ड है, किस स्टेट का, जल्दी से बताइए कौन सी स्टेट का स्टेट बर्ड है, जल्दी से बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताओ। चलो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या, फ्लेमिंगो जो है, ठीक है, स्टेट बर्ड है, कहां का इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, गुजरात इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो फर्मेंटेशन जैसे किण्वन होता है, किण्वन के समय, अभी मैं पूरी क्लास करूंगा अभी भाई, जब तक 120 क्वेश्चन नहीं होते, अपना टारगेट 7 बजे का 4000 क्वेश्चन अगर नहीं करने हैं तो डेली इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 10-20-25 क्वेश्चन करके फायदा ही नहीं है। अगर आप बल्क में नहीं पढ़ रहे तो आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। 120 क्वेश्चन एटलीस्ट इसके आसपास करने हैं, सो डेट कि आपका सिलेक्शन में आप 4000 क्वेश्चन जल्दी कर पाओ, और इसी क्लास में करने हैं 7 बजे। अगर मैं बात करूं किण्वन का बाय प्रोडक्ट उप उत्पादक कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट है, उसके अलावा प्रोडक्ट तो बहुत सारे मिलते हैं ना, तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखिए आमिर खुसरो ने इसमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था, जल्दी से बताइए। आमिर खुसरो ने इसमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का।
चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, दिमाग रखिएगा, सितार और तबला, ठीक है, आमिर खुसरो, ठीक है, मैंने आपको बता रखा आमिर खुसरो पे क्वेश्चन वैसे बहुत सारे आ सकते हैं, ही वाज आल्सो अ थिंकर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, विद्वान भी थे, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू कहां पे लोकेटेड है, ठीक है बताइए, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू कहां पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ये दिल्ली में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक, कामला बफेलो रेस ये कहां पे, देखो जैसे हमें ना बोट रेस का पता है, इवन ये कामला कोई ऐसा, ये ऐसा कोई नया नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दे रखा है कि कामला जो है ये रेस जो होती है ये क्या बोलते हैं एनिमल्स के लिए गलत है, एनिमल्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, रेस ऐसे नहीं करवाना चाहिए, कामला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ने जजमेंट दे रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, करंट अफेयर समझो आप इसे, बताओ कामला बफेलो रेस कहां पे होती है, फेमस है, कौन सी स्टेट में होती है, जल्दी से बताइए, कमेंट करेगा आंसर क्या इस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए बेटा। आज मैं आपको 8:15 पे क्लास कराऊंगा, ठीक है, 8:15 पे क्लास कराऊंगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, और इस क्लास के लिए ये नोटिफिकेशन के लिए ये कोड चाहिए आपको ना, जब आप उस लिंक को ऊपर स्टैटिक जीके का मैंने लिंक दे दिया, 8:15 की क्लास है, आज मैं नेशनल मूवमेंट सारे करा दूंगा और ये कोड लगाना है आपको उसमें, ठीक है, और डेली बेसिस पे 8:15 पे कोई नया टॉपिक होता है और टॉपिक वाइज होता है, इसका आंसर कर्नाटका है, कामला से कर्नाटका, ठीक है ना, कामला से कर्नाटका, याद रखो। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए विजन लॉस जो है वो किस डेफिशिएंसी की वजह से, कौन से विटामिन की वजह से होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, विजन लॉस जो होता है कौन से विटामिन की वजह से होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विजन लॉस जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आंसर क्या है, विटामिन ए की कमी की वजह से। जो बच्चा अभी आया, जैसे आप अभी कनेक्ट किए हो, आप इस क्लास में आ गए हो अब, तो इस क्लास को कंटिन्यू देखो और डेली बेसिस पे 7 बजे आओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, डेली बेसिस पे टाइमिंग पे आओ, अच्छा कंटेंट मिलेगा, डेली क्वेश्चन हो रहे, 4000 क्वेश्चन उठाने, ठीक है, जैसे वी आर लिविंग मीन हम एक सराउंडिंग में रह रहे हैं, अब इस सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, ठीक है, वी आर लिविंग बींग हम एक सराउंडिंग में रहते हैं, अब इस सराउंडिंग को क्या कहा जाता है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली सराउंडिंग नहीं कह सकते, इसको आप हैबिटेट कहोगे, ठीक है, डायरेक्टली सराउंडिंग मत लिख देना, गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, सराउंडिंग मत लिखना, सराउंडिंग तो ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा है, सराउंडिंग वेयर द लिविंग बींग रिसाइड, आंसर है हैबिटेट, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जिंदुआ, जिंदुआ कहां का, जैसे अभी जमाई वाला क्वेश्चन आया था ना, वैसे जिंदुआ कहां का फोक डांस है, ठीक है, बताइए जिंदुआ कहां का फोक डांस है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, जिंदुआ कहां का फोक डांस है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जिंदुआ कहां का फोक डांस है, वैसे नाम से कुछ पता चल रहा है, जिंदुआ से पंजाब कुछ रिलेटेड होगा, पंजाब का ही फोक डांस है, ठीक है, जिंदुआ, ठीक है, पंजाबियों को भी नहीं पता होगा कि ये हो कि भाई जिंदुआ फोक डांस है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए जबलपुर एयरपोर्ट, अब खैर जबलपुर कह रहा है तो एयरपोर्ट कहां पे होगा, जबलपुर का एयरपोर्ट अमेरिका में तो बनाएंगे नहीं, जबलपुर कहां पे है, बताइए वेयर इज इट, जबलपुर कहां पे है भाई, जल्दी से बताइए जबलपुर कहां पे, कमेंट करिए, अभी हम 6 मिनट में 10 मिनट में बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, अगर हम डेडिकेटेडली क्वेश्चन करेंगे तो बहुत फायदा है, स्टैटिक जी की क्लास बस ले लेना आज 8:15 पे, टॉपिक वाइज कराओ, 10 बजे वाली क्लास होगी, मैं कल 10 बजे वाली क्लास नहीं करा पाया था, ठीक, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, ठीक है, काम भी था, लेकिन अभी मैं 10 बजे वाली क्लास आज कराऊंगा, याद रखिए जबलपुर ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में यार, जबलपुर है ना, जबलपुर है ही मध्य प्रदेश में, दिक्कत ही नहीं कोई, ठीक है, आसान क्वेश्चन हो गए, ठीक है, देखो प्रदीप, अब ये प्रदीप भी मेजर पोर्ट है, चाहे कितनी इंफॉर्मेशन दे ले कि नेचुरल है, डीप वाटर पोर्ट है, अब इतना आसान क्वेश्चन है, उड़ीसा में है प्रदीप, प्रदीप कहां पे, उड़ीसा में है ना बेटा, एनडीए, मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए रेलवे, मैं आपको कह रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम इस क्लास में आओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, जीके सीखने के लिए आओ, कभी भी आप जीके सीखना चाहो 7 बजे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, हर एक एग्जाम यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो जीके के हर जगह मिलते हैं, ठीक है,
तो वो आप देख सकते हो। अगर आप एग्जाम पैटर्न पे जाओगे ना, कि कहोगे कि सर मैं एग्जाम देख के आऊंगा, इस पे लिखा हो एनडीओ, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। सीडीएस लिखा हो, रेलवे लिखा हो, कहीं पे भी मिलेगा। जीके पढ़ने हो तो टारगेटेड एक क्लास रख लो कि 7 बजे ये कंटेंट पढ़ना, 4000 क्वेश्चन उठाने हैं सारे, ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ 7 बजे हर एक बच्चा आ सकता है ना। फॉर्म ऑफ कार्बन यूज इन डीकलराइजिंग द शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन को डीकलराइज करने के लिए कौन सा जो है शुगर, जो कार्बन फॉर्म है यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर है एनिमल चारकोल, इसका आंसर है, ठीक है? एनिमल चारकोल इसका आंसर है। दादाजी कंदोदेव स्टेडियम कहां पे लोकेटेड, जल्दी से बताइए, ठीक है? एक और नमाज, कुछ ज्यादा गजब नाम आ रहे हैं दादाजी पर, दादाजी सब कुछ आ रहा है आज क्लास में, ठीक है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए, दादाजी जो है, ठीक, कंदोव स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है भाई? महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा। ये इंडियन पॉलिटी की क्लास है, एक बार ही यूट्यूब पे सर्च कर लेना सारे के सारे। जब आप यूट्यूब पे इंडियन पॉलिटी सर्च करोगे ना, मैं आपको एक क्यों कहता हूँ, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, बच्चे कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं सर सिर्फ क्वेश्चन ही कराते हो क्या? अरे थ्योरी पूरी यूट्यूब पे करा रखी है, 6 घंटे की ऐसी क्लास पढ़ लो पॉलिटी की, पॉलिटी कहीं से पढ़नी ना पड़ेगी, बस आपको 2 वर्ड सर्च करने हैं, इंडियन पॉलिटी, इवन मेरा नाम मत डालना उसमें, ठीक है? आपको सबसे ऊपर मिलेगी ये वीडियो, सर्च करना इंडियन पॉलिटी जब भी समय मिले, ठीक है? यूट्यूब पे डायरेक्टली। तराई जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे, जल्दी से बताइए, ठीक है? आंसर क्या इस क्वेश्चन का। दीपांशु तुम तो कुछ ज्यादा ही न्यू स्टूडेंट हो, मुझे भी पता तुम्हारा कितने न्यू स्टूडेंट हो तुम, बताया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई। ये तराई के हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। ऑलमोस्ट सभी जो ऐसे हेडक्वार्टर है ना वो नई दिल्ली में है, कुछ को छोड़ के जो फाइनेंशियल टर्म्स से संबंधित से भी हो गया, इन सब के हेडक्वार्टर मुंबई में होते हैं, ठीक है? दिमाग में रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है किसका मिश्रण होता है, कमेंट करिएगा। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है किसका मिश्रण होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए आंसर क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है किसका मिश्रण होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर क्या है। ठीक है चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो आंसर क्या बेटा, मिथाइलेटेड स्पिरिट किसका है, देखो इसमें एक लिखा है मिथाइल एल्कोहल और दूसरा लिखा है इथाइल एल्कोहल। लेट्स सी आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, यही इसका आंसर है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है मिथाइलेटेड स्पिरिट, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यूरिक, देखो मैं आपको बोलूं पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर, पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो भाई ये यूरिक, ठीक है? यूरिक एयरपोर्ट कहाँ पे होगा, कॉमन सेंस की बात, ठीक है? ये मतलब इतना महंगा शहर है कि मतलब जो बिलियनियर्स होंगे ना वही जाके यहाँ पे रह सकते हैं। लिविंग हुड अगर मैं बात करूँ कि भाई जीना है इधर रहना है, तो बिलियनियर्स ही यहाँ पे ऑलमोस्ट रहते हैं, ठीक है? हर अमीर आदमी यहाँ पे बसना चाहता है, ठीक है? चलो आंसर स्विट्जरलैंड है इसका आंसर, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है उदनपरी ऑफ इंडिया। बताइए उदनपरी जो है इंडिया की कौन है, कमेंट करिए किसे कहते हैं उदनपरी ऑफ इंडिया। ये शायद सभी को पता होगा उड़न परी किसे कहते हैं, ठीक है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है ना। चलिए बताओ जल्दी से बताओ भाई, पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन सारे करने हैं तब जाके। मैं देखो स्टैटिक जीके का लिंक दे रखा है मैंने, मैं आपको 8:15 पे क्लास कराऊंगा। कोई कहेगा सर इतना कंटिन्यूएशन में कैसे पढ़ा रहे हो, भाई जब मोमेंटम बन गया तो पढ़ लो ना, 30 मिनट के लिए टॉपिक कवर कर लो डेली। अगर स्टैटिक जीके का एक टॉपिक करोगे, आज नेशनल मूवमेंट कर लिया तो खत्म, कल हम डेट्स पढ़ेंगे 8:15 पे, तो 8 टॉपिक करना है खत्म आज। जो भी बच्चा देख रहा है 8 टॉपिक खत्म करना है नेशनल मूवमेंट का, ऊपर लिंक दे दिया स्टडी देगा, 8:15 पे क्लास होगी। उड़न परी आंसर है पीटी उषा, ठीक है? आर्टिफिशियल डायमंड को हम मोसेंस कहते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की करेंसी क्या है, वी ऑल नो म्यांमार की करेंसी क्या है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, म्यांमार की करेंसी क्या है।
ये बेटा ये क्या आप दे रखा है ऑप्शन में, हमने 100 बार ही पढ़ा होगा, ये सब चीजें हमें आसान लगनी चाहिए। ठीक है पति, देखिए पटक दल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटक दल, ये कौन सी स्टेट में, ये पटक दल जो है ना ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर है जल्दी से बताइए। ठीक आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, अगर आपके एग्जाम में जीके आता तो पक्का इस क्लास से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है अगर जीके आता है किसी भी एग्जाम में, अगर जीके आता है तो इस क्लास से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक कर्नाटका इसका आंसर, मुटक दल पटक दल जो है कहां पे, कर्नाटका में, ऑल इंडिया रजमाता। ठीक है गोल्ड कप, देखो अब इधर हमने गोल्ड देखा, ठीक है आंसर क्या लगाया हॉकी। देखो मैं आपको ना 20 दिन से क्लास करा रहा हूं और जब भी मैं आपको कहता हूं भाई जहां पे गोल्ड दिखे ना वहां पे हॉकी आंसर लगाओ, हो क्या रहा है, जहां पे भी आप गोल्ड देखोगे ना वर्ड वहां पे हॉकी लगा देना, 70% आंसर सही होगा, चाहे कोई सा भी कप। मैं खुद नहीं पढ़ता ये, ठीक खुद नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती, पता है हमें गोल्ड है तो हॉकी है। ठीक है याद रखो गोल्ड है तो हॉकी है, ठीक है दिक्कत ही कोई नहीं। ठीक है बस इतना याद रखो, कभी आपने सोचा कि आप कुछ और पढ़ोगे, गोल्ड देखते हॉकी लगाते हैं बच्चे, ये कमाल कब का है, 8:15 का कमाल है, जो अगर आप 8:15 पे आ रहे हो डेली बेसिस। ठीक है भरूच सिटी गुजरात में है, ये कौन सी नदी किनारे, जल्दी से बताइए भरूच सिटी गुजरात में, फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद हम 8:15 पे जुड़ेंगे और स्टैटिक जीके का नेशनल मूवमेंट का पूरा चैप्टर आज खत्म करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, बस उस लिंक को ओपन करना जो ऊपर दे रखा है और रेफर कोड लगाना लाइव ऑन। भरूच जो है गुजरात में है, कौन सी नदी किनारे, नर्मदा नदी किनारे। ठीक है नर्मदा नदी किनारे बेटा, डेली क्लास हो रही है, हो गए मेरे क्वेश्चन करा दिए सारे आज के, डेली क्लास हो रही है 7 बजे। अगर आप इतना डेडिकेशन रख लो ना कि बस वाईफाई स्टडी यूट्यूब पे सर्च कर लो एग्जैक्टली 7 बजे, नोटिफिकेशन नहीं आती क्लास की भाई कभी, सिंपल सी बात है। आप डेडिकेटेड हो तो आप खुद 7 बजे सर्च करो वाईफाई स्टडी यूट्यूब पे और आपको ये क्लास 100% मिलेगी, सैटरडे संडे हर दिन। ठीक है इवन मंडे ट्यूसडे हर दिन जितने भी दिन होंगे आपको ये क्लास मिलेगी 7 बजे। ठीक है फिक्स टाइमिंग है मेरी इस क्लास की, 7 बजे आना, 1 घंटा पढ़ो, 120 क्वेश्चन निपटाने। चलिए जो भी बच्चा देख रहा है मैं आपको ना अभी क्लास करा रहा हूं 8:15 पे, ऊपर लिंक दे रखा है, क्या लिखा है स्टैटिक जी के चैट बॉक्स पे, उस लिंक को ओपन कर लो, क्लास 8:15 पे होगी यानी कि 15 मिनट बाद, सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, इस क्लास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है 8:15 पे, लाइव ओमन रेफर कोड यूज करो उसके लिए। करना क्या है आपको, जब आप लाइव ओमन रेफर कोड यूज करोगे आप एक्सेस कर पाओगे, है ना। दूसरा आपके जो बैचेस हैं, देखो यार मैं बैच का तो हमेशा बताता हूँ क्योंकि यार बच्चे चाहते हैं डेडिकेटेड तैयारी हो, गाइडेंस मिले, एक प्रॉपर टीम पढ़ाए, वो नया बैच आज स्टार्ट हो चुका है, ये प्रॉपर टीम है जो आपको पढ़ाएगी, बेस्ट टीम पढ़ा रही है। ठीक है आपके फायदे की बात है, और इवन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना अभी फीस कम है इस ऑफर की वजह से ना, 1 साल पे 4 मंथ एक्स्ट्रा, 2 साल पे 4 मंथ एक्स्ट्रा की वजह से ये जो फीस है ना 260 पड़ जाती है, जो फीस है ना 260 पड़ जाती है, इस फीस का फायदा उठाओ, है ना। और पूरे पूरे जितने भी एग्जाम है ना सारे इस कोर्स में आने वाले A to Z, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, प्लस में आ सकते हो, डेडिकेटेड तैयारी करो यार, फाउंडेशन करो अपना, बेसिक पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, एडवांस पढ़ो, सब कुछ। एनडीए के लिए बेटा एनडीए में जाना, एसएससी वाले एसएससी में जाना, गेस्ट रूम क्लिक करना, मंथ सिलेक्ट करके ये रेफर कोड लगाना, सारे डिस्काउंट सारे ऑफर इसमें आ जाएंगे लाइव अमन रेफर कोड में। ठीक है तो आप इस रेफर कोड को यूज करिए सारे के सारे, हर एक बच्चा, मैं अभी फ्री क्लास करा रहा हूँ उसमें भी यही रेफर कोड लगाना, ठीक है ना। तो आप ये लाइव अमन रेफर कोड यूज कर लेना। ठीक है जल्दी से लिंक को ओपन करो, क्लास के लिंक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 8:15 वाली क्लास। ठीक है सारे के सारे लाइव अमन रेफर कोड लगा लो। ठीक है मिलेंगे 10 बजे भी क्लास होगी, 8:15 पे पहले पढ़ लेते हैं, इस रेफर कोड को लगा लो लाइव अमन। ठीक है जितने बच्चे देख रहे हैं ये रेफर कोड है लाइव अमन, मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है 8:15 पे इस रेफर कोड को यूज करो, ऊपर वाला लिंक ओपन कर लो सारे के सारे A to Z बच्चा। ठीक है सेशन को लाइक और शेयर कर देना, लिंक को जल्दी से ओपन कर लो सो डेट कि आप पहुंच जाओ क्लास में। जल्दी से लिंक को ओपन कर लो सारे के सारे। पीडीएफ कमेंट बॉक्स पे आ जाएगी,
चले बेटा सेशन को एंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और अभी पोस्ट